मार्केट पे इस फोन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है जो कि दूसरे फोन इसके डबल प्राइसिंग में भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये सैमसंग F15 5G बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वैसे क्या कुछ फ्लॉस है जो कि कंपनीज छुपा रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो अगर तुम इसको परचेस करोगे तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा बॉक्स दिखने को मिलेगा, फ्लैट बॉक्स है, दैट मींस चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं, लेकिन इसका चार्जर ना तुम्हें ऑलमोस्ट फ्री में ही मिल जाएगा। कैसे वो बाद में बताऊंगा। वैसे बॉक्स खोलते ही सीधा मिलेगा ये फोन, ये पेपर इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और हाँ ऑब्वियसली एक टाइप सी टू टाइप सी केबल जो कि मिलता है हमेशा। कलर काफी खूबसूरत है, सो जैसे इसको टर्न ऑन किया उसके बाद ही ना मुझे लगा कि ये ना थोड़ा सा अपर मिड रेंज टाइप का फोन, क्योंकि इसमें मिल रहा है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। रुको मैं यूट्यूब प्ले करके दिखाता हूँ। सही है ना, और एक सैंपल इधर देख लो। स्पीकर्स भी काफी सही है ना, वैसे हाँ सिंगल स्पीकर है बट स्टिल काफी ज्यादा क्लियर आउटपुट है, और इसमें मीडिया कंजम्पशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इसका बैटरी जो कि है 6000 mAh का, और ये अभी के टाइम का सबसे बेस्ट बैटरी है, मतलब इससे ज्यादा बैटरी तो नॉर्मल स्मार्टफोन पर नहीं दिया जाता। बट बैटरी एमएच को साइड में रखकर अगर डे टू डे यूसेज के ऊपर बेस करके इसके रिगार्डिंग बात किया जाए तो फिर तुम्हें मोटा मोटा मिलेगा ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूसेज में। और इसको ना ऐसे भी देखो, एमोलेड डिस्प्ले में अगर डार्क मोड ऑन है तो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन सिग्निफिकेंट अमाउंट पे कम हो जाता है, सो आराम से तुम्हें काफी लंबा बैटरी इधर मिल जाएगा। एंड हाँ ये सपोर्ट करता है 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, थोड़ा सा टाइम लेगा चार्ज होने में, बट इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि तुम्हारे फोन का बैटरी हेल्थ एकदम मस्त रहेगा, और चार्जर तुम्हें ना 300 रुपए में मिल रहा है हाँ। जो कि बहुत ही कम एक अमाउंट है, बट शर्त यही है कि सिर्फ अर्ली सेल पर तुम इस चार्जर को इतने प्राइसिंग में ले सकते हो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वैसे अभी तक सब कुछ बढ़िया लगा होगा, बट परफॉर्मेंस कैसा है? तो परफॉर्मेंस के लिए इधर तुम्हें मिलेगा MediaTek Dimensity 6100+। ओके, कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, ये फोन बहुत ही तगड़ा लेवल का गेमिंग के लिए नहीं बनाया, बट फ्री फायर जैसे गेम्स काफी स्मूथली चल जाता है, एंड डे टू डे यूसेज में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद यूट्यूब वगैरह सोशल्स अगर देखना है तो फिर आराम से चल जाएगा स्मूथली, और अच्छा खासा ऑफिशियल वर्क्स भी कर पाओगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इसका कैमरा कैसा है। सो कैमरा तुम्हें डिसेंट एनफ मिल जाता है, 50 megapixels मेन कैमरे के साथ, एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एंड इधर अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, सो एटलीस्ट तुम्हें एक्स्ट्रा एक ऑप्शन मिल जाता है, एंड सेल्फी भी 13 megapixels का, सैंपल्स का ड्राइव लिंक तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन। अब ये 50 मेगापिक्सल सेंसर काफी सही है, जिससे कि फोटोज में डिटेल्स एकदम बढ़िया मिल जाता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। So, ये है Samsung Galaxy F15 5G के रेयर कैमरे का वीडियो फुटेज, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बाकी जो आप आवाज सुन रहे हो वो इसी का जो इनबिल्ट माइक है उसी से आपको सुनाई दे रहा है, वो भी कैसा है कमेंट करके बताना। और अगर वाइड एंगल में वीडियो शूट करना है तो फिर तुम वो भी कर सकते हो, कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, 0.5x का है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है कमेंट करके बताना। और फ्रंट कैमरे का सेल्फी भी मुझे काफी सही लगा, स्किन टोन काफी नेचुरल है, तुम देख सकते हो। बाकी वीडियो सैंपल कुछ ऐसा है, और ये है इसके फ्रंट कैमरे का वीडियो फुटेज, माइक सेम ही है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और हाँ सभी का जो रॉ फुटेज है वो तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का लिंक है, और अगर चाहते हो कि इसका एकदम डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू हो तो फिर वो कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा एकदम डेडिकेटेड वे में इसका कैमरा रिव्यू करने के, ठीक है। और ना इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे कैमरा रिव्यूज किया है, तुम उनको भी जाकर देख सकते हो, सभी का लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो भाई तुम्हें महंगे फ्लैगशिप फोन पर भी देखने को नहीं मिलता, वो है कि इस फोन में तुम्हें मिलेगा 4th generation का सॉफ्टवेयर अपडेट विथ 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब एंड्रॉइड 18 तक चला लेगा, और ये कुछ बहुत ज्यादा तगड़ा कर दिया है सैमसंग ने इस बार। और हाँ सैमसंग का सॉफ्टवेयर बहुत ही सही रहता है, मैं खुद एक सैमसंग यूजर। सो इतना सब देने के बाद प्राइसिंग क्या हो सकता है, गेस करो। 20,000 नहीं, 15,000, तुम अभी भी गलत हो, ये फोन सिर्फ 12,000 में मिल रहा है। मैं खुद सोच में पड़ गया था कि सैमसंग ने कैसा कर दिया ये इतने कम प्राइसिंग में, बट इट इज व्हाट इट इज। वैसे अगर तुम्हें इस फोन को परचेस करना है तो फिर इसका बेस्ट बाय लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए तो फिर डू कमेंट बिलो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा इसके ऊपर एक कैमरा रिव्यू बनाने की डेडिकेटेड वे में। और हाँ इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ या फिर अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ जिनका एक नीड है, इतना ही बजट है 12-13-14,000 के आसपास एक अच्छा खासा डिसेंट स्मार्टफोन परचेस करने की, तो फिर यस इस वीडियो को तुम शेयर कर सकते हो, इससे उनका भी फायदा हो जाएगा मेरा भी फायदा हो जाएगा। बाकी अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, सो गुड बाय।